हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कौन होगा लाहौर में कैच, कौन खेलेगा सुपर लीग का सुपर मैच? फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराने की जंग, कराची किंग्स और पिशावर जलमी का मुकाबला एक घंटे बाद। बादल फिर मचाने आ गए हलचल, लाहौर में वक्फे से बारिश और जालाबारी, मैच ना होना पिशावर जलमी को पड़ेगा भारी। कराची किंग्स बेहतर रन रेट पर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। कराची किंग्स को बड़े मुकाबले से पहले बड़ा धक्का, इमाद वसीम और बूम बूम आफरीदी मैच से पहले ही आउट, मोहम्मद आमिर कप्तान मुकर्रर। शावर को सपोर्ट करती हूँ क्योंकि उसमें मेरा फेवरेट प्लेयर डेरिन सैमी है, हफीज है। पिशावर जलमी से उम्मीदें वाबस्ता है, पिशावर जलमी बहुत अच्छा खेलती है और इंशाल्लाह आज का मैच जो है वो भी पिशावर जलमी ही जीतेगी। पिशावर को मैं सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि पिशावर मेरे बहुत सारे जो है फेवरेट प्लेयर्स हैं, डेरिन सैमी इज माई फेवरेट। जलमी के हर मद्दा की जबान पर पिशावर की वाह वाह, लाहौर में रंग ही रंग, गजाफी स्टेडियम क्रिकेट दीवारों से भर गया, शायकीन चौके छक्कों की भरमार देखने को बेकरार, शहर कायद के तलबा को कराची किंग्स की फतह का यकीन। इंशाल्लाह कराची जीतेगा, मैं फुल सपोर्ट में शुरू से कराची। इंशाल्लाह कराची जीतेगा, हम कराची वाले कराची को ही सपोर्ट करेंगे और नो डाउट कल पिशावर ने अच्छा मैच खेला था। लाहौर में PSL के रंग, दुनिया न्यूज के संग पल पल की हर खबर से बाखबर रखने का एजाज, सबसे पहले सबसे तेज की रिवायत भी बरकरार। सफेद कार में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए राव अनवर, नकीब कत्ल केस में मतलूब पुलिस अफसर की 2 माह बाद ड्रामाई एंट्री, हिफाजती जमानत की दरखास्त खारिज होने पर गिरफ्तार, साबिक SSP सिंध पुलिस के हवाले, कराची भेजने की तैयारियां। नकीबुल्ला कत्ल केस की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील, हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल करने की इस्तदा मुस्तरद, मुंजमद अकाउंट बहाल करने का हुक्म। आप इतने दलेर हैं, कहां छुपे हुए थे? चीफ जस्टिस के सवाल पर साबिक पुलिस अफसर खामोश। वोट को इज्जत दो, ये वोट की तौहीन हुई है 28 जुलाई को, इसी तरह के जजमेंट्स, इसी तरह के फैसले वो फिर अदलिया की बदनामी का बाइस बन गए। ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेकर फैसला लिखा गया, अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी आवाजें आ रही हैं, अवाम अपनी तौहीन की दरख्वास्त कहां दायर करें, नवाज शरीफ की फिर तनकीद, नाअहली का फैसला डॉलर की कदर बढ़ने का सबब करार। पंजाब को शरीफों से आजाद कराने की तैयारी, नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ की बारी आने वाली है, इलेक्शन में अवाम क्यों निकाला का जवाब देंगे, इमरान खान का गुजरांवाला में धुआंधार खिताब। मनी लॉन्ड्रिंग की ना पैनामा केस से कोई ताल्लुक, बैरून मुल्क जायदाद या कारोबार नहीं, शेख रशीद ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए, इमरान खान की मुशावरत के बगैर निगरान वजीर आजम कबूल न करने का ऐलान, जुडिशियल मार्शल लॉ के भी हामी। ये सारा माशी सियासी इक्तसादी बुरान इसलिए पैदा हो रहा है कि नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं नहीं हूं तो खुदा ना खास्ता ये मुल्क और कोई चला नहीं सकता, और इस बुरान को अंजाम तक और इस सोच को शिकस्त देने के लिए ज़रूरी है कि इस मुल्क में 90 दिन के लिए चीफ जस्टिस साहब जुडिशल मार्शल लॉ लगा दें तमाम अहकाम को पूरे करने के लिए। खालिद मकबूल साहब, आप तो पहले ये बताएं कि आप जब अमेरिका में रहते थे तो आप जिसके घर भी रहते थे वहाँ पर आप जाते थे और उनके घर में जो भी यंग बच्ची होती थी उसको रिश्ता दे देते थे, क्या ये सही है या गलत है? आपकी शादी भी इसी तरह से हुई, वो वर्कर थी, बाजी बोलते थे आप उनको, और फिर उसके बाद आपने शादी करी उनसे। इरम अजीम फारूकी गुस्से से लाल, तन से भरे सवाल, खालिद मकबूल की सियासत का खात्मा हो गया, मुतहदा की साबिक रहनुमा का दावा, आमिर खान को भी चैलेंज। ये मुझे
टिकटिकी बांध के देखता था। याद है आपको ये बात कि मैंने आपकी शिकायत की थी हैदर अब्बास रिजवी से? याद है आपको ये बात? इसको शर्म नहीं थी? उस वक्त भी तो मैं बाजी थी ना आप लोगों के। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं इधर ही कराची में हूँ, मर्द के बच्चे हो तो सामने आ जाओ। इरम अजीम फारूकी किसी भी सियासी जमात के लिए धब्बा है। मुतहदा भादराबाद का रद्द अमल, मारे नफ्सियात से इलाज कराने का मशवरा। डॉलर ने परपुर्जे निकाल लिए, कदर में 14 पैसे इजाफा। इंच बैंक में 116 की सतह पर पहुंचने के बाद 115 रुपए 14 पैसे पर बंद। यौम पाकिस्तान जोश जज्बे से मनाने की तैयारियां। इस्लामाबाद में मुसल्ला अफाद की फुल ड्रेस रिहर्सल, मोबाइल सर्विस जुज़्वी मुअत्तल, ट्रैफिक के लिए मुतबादल रूट। आमद है, मैं पूरी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आए हम सब मिलकर पाकिस्तान की खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करें। हम सब ने मिलकर इस मुल्क की हिफाजत और तरक्की में किरदार अदा करना है। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अब का निशान ये हमारा पाकिस्तान। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान के हवाले से पांचों वज़ीरे आला के पैगामात। ISPR का प्रोमो जारी, अमन का निशान हमारा पाकिस्तान। मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। करम हिम्मत का अलम, मौजों पे कदम मेरा, मेरा इश्क है समंदर, मेरी जिंदगी समंदर, हर लहर में बसी है एक दुनिया इसके अंदर, है मुल्क तेरे लिए मैं हूँ डट के खड़ा। अल्लाह का करम हिम्मत का अलम, मौजों पे कदम मेरा। यौम पाकिस्तान पर पाक बहरिया का नया मिली नगमा, मौजों पे कदम जारी। स्पेशल प्रोमो पाकिस्तान मुबारक घेरेली। बुलान जी फैली के आखिरी रोज सर धड़की बाजी, नादिर मक्सी, जाफर मक्सी, रोनी पटेल और साहबजादा सुल्तान इन एक्शन। तकरीब में मुल्की सकाफत के रंग, रिवायती रक्स। इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल, कौन खेलेगा सुपर लीग का सुपर मैच? फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराने की जंग। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। जी हाँ, लेकिन इस दौरान खबर ये आई कि कराची किंग्स के इमाद वसीम और आफरीदी हो गए हैं बाहर इंजरीज के सबब। तो अब मोहम्मद आमिर स्किपर होंगे कराची किंग्स के। कप्तान मोहम्मद आमिर रहनुमाई करेंगे। कौन खेलेगा सुपर लीग का सुपर मैच? 7 बजे इस मैच का आगाज होगा, लेकिन इससे पहले बारिश अपना मैच खेलती रही और वक्फे से बरसती रही, जो कि लाहौर के बासियों के लिए तो खुशगवार मौसम है, लेकिन क्रिकेट शायकीन को नागवार गुजर रहा है, क्योंकि आज है फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराने की जंग। दूसरी टीम कौन सी होगी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने आएगी, आज इसका फैसला होने जा रहा है, जिसके लिए एक दूसरे से पंजा आजमाई करेंगे कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी। बल्ले और गेंद के इस्तेमाल से 7 बजे रन का उगलना और रन का रोके जाना शुरू होगा, लेकिन अभी इसमें कुछ वक्त बाकी है। फिर मिले चलो हम मिलके वो दिल जिसको माने, हर तारा है हमारा,
गद्दाफी स्टेडियम में आज फिर सजेगा मैदान। पिशावर जलमी और कराची किंग्स का होगा टाकरा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। We'll relax him a bit at the crease. आज के मैच की फाते टीम बनेगी कराची की मेहमान और खेलेगी सुपर लीग का सुपर मैच यानी फाइनल। He's walking off. He thinks he's gone at 6. आखिरी मार्के के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। 6 for this. किंग्स को बड़े मैच से कबल बड़ा धचका लग गया। बूम बूम आफरीदी फिट ना हो सके और अहम मुकाबले से आउट हो गए। जख्मी कप्तान इमाद वसीम भी शिरकत से महरूम। मोहम्मद आमिर टीम की कप्तानी करेंगे। पहले प्लेऑफ की तरह लाहौर में आज भी बादल बरसने का इम्कान। मैच न होने की सूरत में कराची किंग्स की टीम पहले राउंड में ज्यादा पॉइंट्स की बिना पर फाइनल खेलने की हकदार करार पाएगी। बारिश पीएसएल के रंग में भंग न डालने पाए। हर हाल में मैच कराने के लिए कजाफी स्टेडियम ग्राउंड को हेलीकॉप्टर से खुश करने का अमल इस वक्त जारी है। इसी बारे से मजीद तफसीलात जान लेते अपने नुमाइंदा सनाउला खान से। जी सनाउला बताइएगा। खेल में हम सारों के कजाफी स्टेडियम से अच्छी खबर यह है कि ग्राउंड पर जो है कवर हटा लिए गए हैं और पानी को यहां पे खुश करने का, यानी ग्राउंड को खुश करने का काम जो है वो जारी है। आप देख सकते हैं मेरे भाई जाने के विकेट के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडला रहा है, जिसकी वजह से जो विकेट है और ग्राउंड है खासकर उसको, उसमें से पानी जो है उसको खुश किया जा रहा है। अगर से काफ़ी हद तक ग्राउंड बेहतर शक्ल में है, लेकिन स्क्वायर के ऊपर थोड़ा पानी यहाँ पर मौजूद है। पहले सुपर सोपर की मदद से पानी को यहाँ पर पानी को निकालने का काम किया जा रहा था, लेकिन बारिश क्योंकि ज़्यादा हुई थी तो पानी को निकालना आसान काम नहीं था। अब पिच पर से कवर हटा दिए गए हैं, लेकिन उसको खुश करने के लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। अगर हम शायकीन की जानिब कैमरा आपको मनाजिर दिखाए तो आप देख सकते हैं कि कितने पुरजोश हैं यहाँ पर शायकीन हेलीकॉप्टर को खासकर देख कर, इस वजह से कि वो बहुत मुंतजिर हैं कि यहाँ पर मैच जो है अपने मुकर्रर वक्त के ऊपर ही शुरू हो, ताकि 20वीं ओवर का मैच ही देखने को यहां पर मिले। अब अगर से यहां पर बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ऊपर हम आसमान की तरफ देखें तो गहरे स्याह बादल हैं जो कि डरा रहे हैं, और महकमा मौसम के मुताबिक भी 8 और 9 बजे के दरमियान में एक और बारिश का स्पेल हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर पूरे 20 ओवर का मैच होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है कि हेलीकॉप्टर की मदद से ग्राउंड को खुश करने का काम जो है वो चल रहा है। शायकीन काफ़ी पुरजोश हैं यहाँ पर और वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ पर जो मैच है मुकर्रर वक्त जो कि 7 बजे का है उस टाइम पर ही यहाँ पर शुरू हो। सनाला बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने। वो हवा जो उड़ा ले जाती है वो आज पिच सुखा रही है। हेलीकॉप्टर से ग्राउंड खुश करने पर गैर मुल्की कमेंटेटर्स महसूस हुए हैं। पीएसएल कमेंटेटर्स ने हेलीकॉप्टर की तस्वीर बनाई हैं और उनका ये कहना है कि इससे ग्राउंड खुश करना संजीदगी जाहिर करता है। शहजाद, ये अचंभे की बात कैसे है? ये अचंभे की बात इसलिए है क्योंकि जाहिर है एक हेलीकॉप्टर को उड़ाने में काफ़ी कॉस्ट आती है, और सिर्फ एक पिच ड्राई करने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना यकीनन काफ़ी पैसा खर्च किया जा रहा है पीसीबी की जानिब से। तो इससे संजीदगी जाहिर होती है, और इसलिए भी संजीदगी जाहिर होती है क्योंकि ये अमल पूरी दुनिया में पहले और कहीं नहीं देखा गया। सिर्फ 1996 के वर्ल्ड कप फाइनल से पहले लाहौर में यहीं पर कजाफी स्टेडियम में ही हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था, और आज दोबारा ये देखने में आ रहा है कि हेलीकॉप्टर के जरिए पिच को सुखाया जा रहा है। एक नहीं बल्कि दो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए। इस हेलीकॉप्टर के बाद एक आर्मी का MH-17 हेलीकॉप्टर भी आया जिसकी मदद से इस पिच को सुखाने की कोशिश की गई। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है आज लाहौर में, जिसकी वजह से जो कवर्स डाले गए थे पिच के ऊपर उनके अंदर भी पानी चला गया था, और अब आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए पिच को सुखाया जा रहा है ताकि आज का मैच इफेक्ट ना हो। तो एक टिकट में दो मजे शहजाद इस तरह मिले कि एक तरफ वो मैच देखेंगे, दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से पिच को सुखाना भी दिलचस्प है, और इसमें आप जो हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला पायलट है उसकी महारत भी देख सकते हैं कि एक ही जगह पर रखकर हेलीकॉप्टर को सिर्फ चंद फीट का फासला है, और ये दूसरा हेलीकॉप्टर जो इस्तेमाल हुआ था आर्मी का MH-17 हेलीकॉप्टर, इसको भी आप देख सकते हैं। काफ़ी खर्चा किया जा रहा है, काफ़ी मेहनत की जा रही है पीसीबी की जानिब से कि आज के इस मैच को सक्सेसफुली यहाँ पर इसका इनेकाद किया जा सके। दो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए हैं। आर्मी का दूसरा हेलीकॉप्टर कौन सा? दूसरा यकीनन आर्मी का नहीं है, किसी प्राइवेट सर्विस से वो हेलीकॉप्टर मंगवा के इस्तेमाल किया गया है। तो हम ये कहें कि सिविल और मिलिट्री एक पेज पर है इस मैच के लिए। पूरी कोशिश की जा रही है मिलिट्री की जानिब से, बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई है, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर भी प्रोवाइड किए गए हैं ताकि पिच को सुखाया जा सके और मैच वक्त से शुरू किया जा सके। पीएसएल का दूसरा प्ले ऑफ, पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ग्राउंड को खुश करने में मसरूफ हैं। पाक फौज का हेलीकॉप्टर देखकर शायकीन की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए।
یہ مناظر قذافی سٹیڈیم کے آپ کے سامنے. آرمی کے ہیلیکاپٹرز کو استعمال کیا جا رہا ہے اور سویلین ہیلیکاپٹرز کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ بہت تیز بارش ہوئی آج, ژالہ باری ہوئی لاہور میں, اور لگ ایسے رہا تھا کہ شاید اتنا پانی گراؤنڈ میں بھر گیا ہوگا کہ میچ نہیں ہو سکے گا, لیکن پی سی بی کی جانب سے سپر سوکرز کا استعمال بھی کیا گیا اور ہیلیکاپٹرز کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ زندہ دلان کا شہر پی ایس ایل کے دوسرے اہم ترین مقابلے سے پہلے سج گیا ہے. جی ہاں, جیسے کہ ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں صورتحال سے, تو آپ نے ہیلی کاپٹرز کو دیکھا جو گراؤنڈ میں کچھ کر رہے ہیں, پچ کو گراؤنڈ کو بھی کچھ کر رہے ہیں, لیکن اس سے کے ساتھ ہی بالکل مونال کے روپ ٹاپ پر موجود ہے سلمان حسن اور عمر باب. انہوں نے ضرور ہیلی کاپٹرز کو گزرتے ہوئے دیکھا ہوگا. مشن کیا ہے آج کا عمر باب اور سلمان حسن؟